सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे, देवियों सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाने के 44 साल बाद 2022 में आज फिर से वही थीम है, ओनली वन अर्थ, जिसका जिक्र मेरे पूर्व के वक्ताओं ने किया और उसी को हम सब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। 44 साल पहले भी थीम यही रखी गई थी और वाशिंगटन के रिवर फ्रंट से 1974 में एक चेतावनी पूरे विश्व को दी गई थी कि पृथ्वी मनुष्य की नहीं बल्कि मनुष्य पृथ्वी का है, इसलिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग केवल नुकसान पहुंचाएगा, इस पर दुनिया को गहराई से सोचने की ज़रूरत है। बहुत से साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद 5 जून के इस महत्वपूर्ण दिवस को लेकर अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन सोच एक ही वजह से शुरू होती है और मैं मानता हूँ कि वह जो यह है कि इंसान तथा उसके अस्तित्व के संबंधों में जो दरार पैदा हुई है, इसके पीछे सबसे जो प्रमुख और बड़ा कारण दिखाई पड़ता है वो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। मुझे घटना का स्मरण है, 1962 में अमेरिका में किताब छपी थी, द साइलेंट स्प्रिंग, और उसके राइटर थे रेचर कार्सन। किताब इसलिए लिखी थी उन्होंने कि अचानक उनके शहर में वसंत का मौसम बदल गया और बगीचे में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे, और उन्होंने जो अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात जो निष्कर्ष निकला उसमें ये बात कही गई कि पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से ये घटना हो रही है जिसकी वजह से लाखों पक्षियों की मौत हो गई। उन्होंने उसी पुस्तक में आगे लिखा है, इसकी वजह से वर्षों तक बसंत का मौसम फीका था और बिना पंछियों के चहचहाट के, बिना उनके गीत के, बिना जीवन का हर उत्सव भी अधूरा था। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, दुनिया भर में बड़े बड़े सेमिनार्स का आयोजन हुआ, लोगों ने पहली बार ये स्वीकार करना शुरू किया कि जीवन अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, और ये संबंध इतना गहरा है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, एक पौधा पानी, सूरज की किरणें, मिट्टी को अपने में समाहित कर हमें अनाज और सब्जियां मिलती हैं, बदले में वह बीज के सिवा इंसान से कुछ नहीं लेता है। आप जरा एक बार सोचिए कि संबंध को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, और इसलिए पिछले 44 सालों के विचार मंथन का ये निष्कर्ष है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही, समग्र रूप में ही देखा जा सकता है। इसे अलग अलग देखें या देखने की कोशिश करें, इसकी संभावना दिखती नहीं है। इसलिए आज पर्यावरण दिवस पर हमारे सेक्रेटरी संजीव वर्मा तथा हमारे प्रिंसिपल कंजर्वेटर डॉक्टर गेरा ने निर्णय लिया कि पर्यावरण दिवस तथा बायोडाइवर्सिटी दिवस के थीम को मिलाकर ओनली वन अर्थ शेयर्ड फ्यूचर, ये थीम इन लोगों ने तय किया, एक पृथ्वी और साझा भविष्य, और ये संदेश सबको दिया जाए इसकी कोशिश
इन लोगों ने प्रारंभ की है। मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करता हूं कि इस प्रयास में एक एक कड़ी जोड़कर प्रकृति के हर एक तत्व को ध्यान में रखकर पर्यावरण संरक्षण के अभियान को हमें मिलकर बढ़ाना होगा और इसमें हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी भी नितांत आवश्यक है। मित्रों, हमारे यहाँ मेरे पूर्व भी मेहता जी ने कहा कि वेदों ने सबसे पहले इस बात की चर्चा की कि इंसान 5 तत्वों से बना है और गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सहज भाषा में कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। क्षिति आप समझते हैं माने पृथ्वी, जल, पावक माने आग, तो ये 5 चीज़ों से मिल करके ही जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और ये सभी तत्व एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे हों, नदियां हों, इनके बिना जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती। इसलिए दार्शनिक से लेकर वैज्ञानिक तक इस बात से सहमत हैं कि बिना संतुलन के इंसान के अस्तित्व के मिटने का खतरा बड़ा पैदा होता है। यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज पैनल के मुताबिक अगर अगले 10 साल के भीतर हमने बदलते हुए पर्यावरण तथा बायोडाइवर्सिटी के नुकसान को रोकने में सफलता नहीं हासिल की तो यह अपरिवर्तनीय हो जाएगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि जब से बायोडाइवर्सिटी के इतिहास का संकलन किया जा रहा है तब से लेकर वर्तमान की स्थिति में बड़ा फर्क पड़ा है। मार्च में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साइंटिस्ट के ग्रुप ने लिखा है कि पृथ्वी से गायब हो रहे अनुमानित जीवों की प्रजातियां 5 थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में 10,000 जीवों की प्रजातियां बिल्कुल गायब हो चुकी हैं, और अगर सिर्फ 50 साल के आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो पूरे विश्व में जीवों की प्रजातियों से 70% तक की कमी आई है। मैं समझता हूँ ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है और हमें चेतावनी भी देता है और इसलिए इसे वार्निंग सिग्नल हम समझ सकते हैं। प्राकृतिक असंतुलन की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे इस साल मार्च में गर्मी ने 100 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा हो या फिर पिछले साल बेमौसम बरसात ने 60 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा हो, इस तरह की घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और विश्व में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये इस बात का संकेत देती हैं कि प्रकृति के साथ हमारे संबंध में जो दरार आई है, जो खाई पैदा हुई है, उसे पूरी तरह भरने में अभी और वक्त लगेगा। कहीं देर न हो जाए इसका हम सबको ध्यान रखना होगा। 1980 और 90 के दशक में आप में से अनेक मित्रों को स्मरण होगा जब समुद्र से तेल गिरने से जानवरों के मरने की खबर आने लगी तो उस समय बहुत से पर्यावरणविदों ने अनुमान लगाया था कि शायद अगर ऐसा अगले 50 साल तक तेल समुद्र को दूषित करता रहा तो शायद सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, किसी तीसरे विश्व युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस वर्ष के पर्यावरण दिवस के विजन पेपर में एक बात कही गई है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने में हमें अब ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और मैं अनेक मौक़ों पर अनेक बार ये बात कहता रहा हूँ कि प्रकृति के संसाधनों पर मनुष्य का अधिकार अस्थाई नहीं है, यह टेम्पररी है। उसका दोहन करने की जरूरत नहीं है बल्कि न्यूनतम मात्रा में उसका उपयोग करने की जरूरत है और इसका एहसास हर व्यक्ति को हो यह आज आवश्यक हो गया है। हर एक व्यक्ति में होना आवश्यक है और इसलिए मैं मानता हूँ कि पर्यावरण दिवस या पर्यावरण से जुड़े मुद्दे या सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल सिर्फ वन विभाग, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये इनका अभियान नहीं हो सकता। इसमें प्रशासनिक तंत्र के सभी अंगों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बिजनेस हाउसेस का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों का और मुझे लगता है
कि हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनका और इस पृथ्वी पर रह रहे हर नागरिक का भागीदार बनना अब आवश्यक हो गया है, जिन्हें हम एजेंट्स ऑफ चेंज कह सकते हैं। पिछले वर्ष ग्लासगो क्लाइमेट समिट में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था और एक ऐसे जन आंदोलन का आह्वान किया था जिसमें सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएं और इस पृथ्वी को समृद्ध उपहार दें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की तो है ही। जो भी नीतियां बने ग्रीन तथा सस्टेनेबल व्यवस्था को प्रमोट करने वाली बने, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन हो, जंगलों में हो रहे कटाव को रोकना हो, सदियों से तालाबों में प्रदूषण एवं अतिक्रमण से जूझना हो, इन सभी गतिविधियों में प्रशासन को भी पहल करनी होगी और मुझे लगता है सामान्य नागरिक को भी पहल करनी होगी। एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी योजनाएं या नीतियां हैं उसमें पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और गर्व भी है कि पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने कर्तव्यों को निभाने के अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। जम्मू कश्मीर ग्रीन ड्राइव, हर गांव हरियाली, कई का जिक्र पहले हुआ है, वन बीट वन गार्ड, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए फॉरेस्ट हट्स, ट्रैक रूट जैसे कार्यक्रम जमीन पर बेहतर तरीके से उतारने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, जो प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित कर जीने की हमारी परंपरा को टिकाऊ बना सकती है। जम्मू कश्मीर ग्रीन ड्राइव के दौरान डॉक्टर गेरा और उनकी टीम ने 1,30,00,000 पौधों को रोपने का लक्ष्य रखा था। मैं बधाई देना चाहता हूं कि इनकी टीम ने केवल इस लक्ष्य को ही पूरा नहीं किया बल्कि 7,00,000 ज़्यादा पौधे, 1,37,00,000 पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसी वर्ष मार्च में जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स का लोकार्पण हम ही से कराया था डॉक्टर गेरा ने, संजीव ने। ये स्वयं मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट का एक मैकेनिज्म है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जैव विविधता को मापने और सुचारू रूप से प्रबंधित करने में ये मदद कर रहा है। जम्मू तथा श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मेरी अपेक्षा हो कि स्मार्ट सिटी को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी के रूप में देखने की और डेवलप करने की अब जरूरत महसूस की जा रही। जल, वायु तथा प्लास्टिक प्रदूषण रोकने और 2030 तक इसे न्यूनतम लेवल पर, मिनिमम लेवल पर ले जाने के लिए एक सिटी विद नेचर कैंपेन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के चलाने की आवश्यकता है, जो सरकारी कार्यक्रम न होकर जनभागीदारी के साथ चलने वाला अभियान बन सकता है। पिछले महीने आवाम की आवाज़ में मैंने हर जिले में हो रहे तालाबों, नदियों के संरक्षण पर चर्चा की थी और मुझे संतोष है कि आज पंचायत के जनप्रतिनिधि हों, जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या जम्मू कश्मीर के आम नागरिक हों, ये सब मिलकर के इस दिशा में जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। इसके अलावा प्रशासन के अन्य विभाग भी, डिपार्टमेंट भी, मुझे लगता है कि इन दो लक्ष्यों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना, दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करना। एक आह्वान मुझे लगता है कि हर गांव तथा हर शहर में बच्चियों के पैदा होने पर पेड़ लगाने का, जिसकी शुरुआत आज हमारे साथियों ने की है, ये सिर्फ हरियाली और ट्री कल्चर को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा बल्कि ये समाज में नारी को उचित सम्मान दिलाने और उसे सेलिब्रेट करने का अवसर भी समाज को प्रदान करेगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉक्टर गेरा और उनकी टीम ने चंद दिनों में ही
पेड़ लगाएं हर बेटी के नाम, ये अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम में सभी नागरिकों एवं पंचायत के जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिले, ऐसा मेरा निवेदन होगा। फॉरेस्ट तथा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से मेरा आग्रह होगा कि युवाओं में ग्रीन इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जम्मू तथा कश्मीर के जो विश्वविद्यालय हैं, स्कूल कॉलेज हैं, IIT, IIM और NIT, इनमें मुझे लगता है ग्रीन इनोवेशन प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत है और अगले वर्ष बड़े पैमाने पर ये ग्रीन इनोवेशन अवार्ड पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिया जाए, इसका इंतज़ाम भी करने की ज़रूरत है। मैं सभी DC, पंचायत के प्रतिनिधि, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन और स्वयंसेवी संस्थानों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों पर परीक्षण और मान्यता पर खरे उतरने के पश्चात ग्रीन लेवल की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के ग्रीन प्रोडक्ट्स को पूरे देश में अपनी अलग पहचान मिलेगी और हम कामयाब होंगे। एक और बात सभी अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि सभी ऑफिसेस में LED बल्ब लग चुके हैं, कहीं पंचायत में BDO के कार्यालय में या कहीं छूट गया है, तो मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित करना है कि आने वाले 15 दिनों में LED के अलावा कोई बल्ब जम्मू कश्मीर के किसी सरकारी कार्यालय में न जले। सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने पंचायतों में ऐसे कार्यों की पहचान करें जिसके द्वारा इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की गुंजाइश हो, चाहे वाटर बॉडीज़ के रिवाइवल का सवाल हो, वेस्ट या फार्म डिस्पोजल से जुड़ा हुआ कार्य हो, इनको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। मित्रों, जम्मू कश्मीर ऐसे हिमालयन क्षेत्र में आता है जिसके बारे में भूवैज्ञानिकों एनवायरनमेंट साइंटिस्ट सबका कहना है यह क्लाइमेट चेंज की चपेट में है और यह स्थिति नाजुक है। देश के अन्य भागों से भले ही अभी हम बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन उस स्थिति को बनाए रखने की चुनौती हमारे लिए बड़ी है। इसलिए हमें पूरे वर्ष अपने पर्यावरण को बचाने का कार्य मिलजुल करके करना होगा और लोगों को में चेतना बढ़ाने की कोशिश भी करनी होगी। सस्टेनेबल ग्रीन लाइफ को हमें अपनी जीवन शैली का अंग बनाना होगा। सभी प्रकार के प्रदूषण रोकना, ग्रीन कवर को लगातार बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य बने, मैं समझता हूँ इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकना, एक प्रदूषण उसका जिक्र मैं अंत में करूँगा। कश्मीर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल के 111 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी किए गए स्पेशल कवर की सभी को विशेष रूप से ट्रेनिंग स्कूल के ऑफिसर्स तथा कर्मियों को बधाई। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। ग्रीन लाइफ ऐप की शुरुआत भी एक बेहतरीन पहल है जो लोगों में प्रतिदिन कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए प्रेरणा देगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता जीवन स्तर में सुधार, स्वच्छ जल सफाई की पक्की व्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण के बारे में हमारी संवेदनशीलता निश्चित रूप से हम बढ़ाएंगे। पुनः एक बार प्रकृति के प्रति हम सब अपने गहरे लगाव की कामना भी करें और प्रतिबद्धता भी दोहराएं। मैं प्रदूषण की चर्चा कर रहा था, जम्मू कश्मीर में एक और प्रदूषण हो रहा है। ये प्रकृति का प्रदूषण था, एक प्रदूषण पड़ोसी के द्वारा किया जा रहा है, वो बेगुनाहों के खून से प्रदूषण किया जा रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि हर जिम्मेदार शहरी ये जिम्मेदारी है कि अमन चैन तभी कायम हो सकता है जब हम ऐसे कृत्यों की निंदा करेंगे। अब ये घिनौना और घृणित चेहरा बच्चियों को भी नहीं बकस रहा है, महिलाओं पर भी हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की और सरकार की ये पॉलिसी रही कि हमारे सुरक्षा बल किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ
जब दिया बुझता है तो बुझते समय लौ तेज हो जाती है। ये डेस्परेशन में इस तरह के निर्दोष लोगों पर जो हमला हो रहा है वो प्रेरित करना चाहते हैं सुरक्षा बलों को कि इनकी ओर से भी डेस्परेशन में कोई कार्रवाई की जाए। मैं भरोसा देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को कि प्रशासन किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को जिस तरह से निर्दोष लोगों के लिए हथियार बनाया जा रहा है, प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम मुस्तैदी से करेंगे। मैं यहाँ की आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है, इस काम को आप करिए, यह आपका राष्ट्रीय दायित्व है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तभी शांति कायम की जा सकती है। यही निवेदन करते हुए अंत में मैं आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा और आप सबको धन्यवाद दूंगा। कुछ बच्चे बाहर स्टॉल लगाए थे, मैं नहीं जा सका, उन्होंने मुझे सूचना दी तो मैं बाहर निकलते समय उन बच्चों के स्टॉल से भी होकर के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।